नमस्कार, मैं आशीष कुमार सिंह शिवशैली कंप्यूटर एजुकेशन आपका स्वागत है। सीपीसीटी की सीरीज में आज हम लोग 20 22 फरवरी 2020 के शिफ्ट टू का पेपर देख रहे हैं। वीडियो को दूसरा भाग है। अगर आपने ये पेपर दिया हो तो आपने कितने नंबर स्कोर किए हैं कमेंट करके जरूर बताएं। ये दूसरा भाग है, क्वेश्चन 27 यहाँ हम देख रहे हैं, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 27 क्वेश्चन 26 तक पहले भाग में है। यदि आपने नहीं देखा है वीडियो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से पहला भाग देख सकते हैं। क्वेश्चन 27 है, 26 संपीड़न तंत्र, यानी इंग्लिश देख लें इसका क्या मतलब है। इमेज कंप्रेशन मैकेनिज्म, यानी इमेज को कंप्रेस करने के मैकेनिज्म में क्या पूछ रहा है। प्रत्येक रन लेंथ पेयर इनकोडिंग के कंप्रेशन टेक्निक है जिसके द्वारा इमेज को कंप्रेस किया जाता है। तो क्या पूछ रहा है, मैं नई डैश डैश पेश की जाती है। बेसिकली कंप्रेशन का उसमें क्या तरीका यूज किया जाता है पूछ रहा है। इसमें कंप्रेशन के लिए इंटेंसिटी तीव्रता यूज की जाती है। इंग्लिश देख लें इंटेंसिटी यहाँ पे है। इमेज तो होगा नहीं चूंकि इमेज तो कंप्रेस ही करना है। पिक्सल इकाई है जिसका हम यूज करके कंप्रेस करते हैं, और मैट्रिक्स तो पूरी बनी होती है। तो यहाँ पे जो इकाई यूज की जाती है कंप्रेस के लिए क्या होती है, इंटेंसिटी होती है। ये जो नियरेस्ट इमेज पिक्सल उनके इंटेंसिटी इक्वल मानी जाती है, लगभग होती है, जनरली होती है। तो उसी का आधार बना के ये जो इनकोडिंग सिस्टम है वो इमेज को कंप्रेस करता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 ही था सॉरी 28। एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जैसे लेजर और इंकजेट होते हैं, जिसमें प्रिंटर हेड जो है वो हमारा कागज पर टच नहीं रहता है। तो पूछ रहा किस पर आधारित होता है। तो दो प्रिंटर होते हैं, हमने बताया इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट। जो इम्पैक्ट होता है जैसे डॉट मैट्रिक्स, वो क्या होता है, टाइप राइटिंग प्रिंटिंग मैकेनिज्म आधारित होता है। इसमें क्या होता है, जो ड्रम होते हैं वो कागज पे अक्षर को छापते हैं, और ये विद्युत यंत्र पे आधारित होता है जो हमारा नॉन इम्पैक्ट है। इसमें क्या होता है कि जो स्याही होती है वो गर्म होके कागज में चिपक जाती है अक्षरों के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर प्रिंटर का एक फंक्शन है जो इसे स्वचालित रूप से पेपर डालने में सक्षम बनाता है और इसे प्रिंट करने का अनुमति देता है। प्रिंटर में हम लोग कागज डाल देते हैं और जैसे 10 पेज प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, तो क्या होता है कि आप देखते हैं आपको कागज से अलग नहीं करना पड़ता, कागज खींचता चला जाता है अपने आप को। अगर आपका ड्यूल मतलब बहुत सारे प्रिंट आउट भी है, डुप्लेक्स भी है, तो भी आपको क्या करता है, पहले साइड प्रिंट आउट निकालेगा खींच के, फिर वापस लेके फिर दूसरे साइड प्रिंट आउट निकाल लेगा। जिसे हम प्रिंट फीड बोलते हैं, अपने आप जो कागज चल रहा है हमारा वो प्रिंट फीड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, ये डीपीआई का फुल फॉर्म पूछ रहा है। डीपीआई का मतलब डॉट्स पर इंच होता है। ये प्रिंटर की गुणवत्ता नापने की इकाई भी है कि प्रिंटर कितनी अच्छी गुणवत्ता का है। जितना डीपीआई ज्यादा होगा प्रिंटर उतना अच्छा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, इंटरनेट डैश डैश की प्रणाली है। इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट के शब्द में ही है, इंटर और नेट, इंटर कनेक्टेड नेटवर्क। अगर आप देख लें संधि विच्छेद ही कर दें तो क्या होता है, इंटर और धन नेट, दो वर्ड यहाँ पे हैं, एक इंटर है और एक क्या है, नेट है। इंटर का मतलब इंटर कनेक्टेड और नेट का मतलब क्या होता है, नेटवर्क्स। क्वेश्चन नंबर 32 है, डैश डैश इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। तो इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हमारा क्या होता है, TCP/IP होता है। TCP/IP एक मॉडल भी है जिसमें TCP आपका प्रोटोकॉल है ट्रांसपोर्ट लेयर का, IP है इंटरनेट लेयर का प्रोटोकॉल है। जावा लैंग्वेज है, HTML भी वेब डिजाइन की लैंग्वेज है, और फ्लैश अलग है। क्वेश्चन नंबर 33, वर्ड टेक्स्ट को किसके द्वारा इटैलिक बनाया जाता है। इटैलिक के लिए हमारा क्या होता है, कंट्रोल आई होता है, बी से होता है बोल्ड, यू से होता है अंडरलाइन, कंट्रोल भी हमारा पेस्ट का शॉर्टकट है। क्वेश्चन नंबर 34 है, बाईं ओर एक अक्षर को मिटाने के लिए कुंजी संयोजन क्या है। तो बाईं ओर मिटाना है, कर्सर आपका ऐसा है तो किससे करते हैं, बैकस्पेस से करते हैं, और अगर दाईं ओर करना होता है हम डिलीट से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस टैब का उपयोग करके वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट बॉक्स को जोड़ा जाता है। तो अगर आपको कुछ भी लाना है अपनी फाइल में, उसके लिए कमांड इंसर्ट एम ए होते हैं। चाहे टेबल लाना हो, चार्ट लाना हो, कोई शेप लाना हो, कुछ भी लाना है, उसके कमांड कहाँ होते हैं, हमारे इंसर्ट एम ए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, एमएस पावर पॉइंट में एक शब्द को दाएं तरफ हटाने के लिए कुंजी संयोजन क्या है।
आपको पूरा शब्द जाए, अगर आप केवल राइट एरो करेंगे तो एक अक्षर जाएंगे दाएं, और कंट्रोल प्लस राइट एरो करेंगे क्या होंगे, आप एक शब्द दाएं चले जाएंगे। जैसे देखिए मैं पावर पॉइंट खोलता हूं, जैसे मैंने कहीं भी लिखा है ये देखिए, मैं यहाँ किसान पे मैंने क्लिक कर दिया है और मैं कंट्रोल दबा के राइट एरो कर रहा हूँ, तो क्या हो गया, पूरा शब्द ही दाएं जा रहा है, लेफ्ट पूरा शब्द बाएं आ रहा है हमारा। और अगर आप राइट एरो करेंगे एक अक्षर जाएगा, क्या शब्द के लिए पूछ रहा है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, कंट्रोल राइट एरो होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, एमएस पावर पॉइंट में टेक्स्ट बॉक्स की शुरुआत में जाने के लिए कुंजी संयोजन क्या है। आपने टेक्स्ट बॉक्स बनाया है उसके स्टार्टिंग में जाना है, तो क्या उसके लिए कंट्रोल और होम होता है। टेक्स्ट बॉक्स से हम इंसर्ट ऐप से किसी में बना सकते हैं, चाहे वर्ड एक्सेल कोई भी हो, ये आपका इंसर्ट में जाइए तो यहाँ टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन मिल जाएगा आपको। आप टेक्स्ट बॉक्स लगा के इमेज में भी लिखाई कर सकते हैं, नॉर्मली आप इमेज में नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ देखिए टेक्स्ट बॉक्स है, जैसे मुझे यहाँ इमेज के ऊपर लिखना है तो मैंने टेक्स्ट बॉक्स में बना लिया, देखिए मैंने टेक्स्ट बॉक्स बना दिया है और यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, अब इसमें मैं लिख सकता हूँ कुछ भी इमेज के ऊपर। अब इमेज के ऊपर टाइप कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स लगा के, राइट क्लिक किया, एडिट टेक्स्ट किया मैंने और मैं यहाँ लिख रहा हूँ ASD, सिंपल लिख रहा हूँ, मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, और ये कुछ भी मैं यहाँ टाइप कर सकता हूँ, साइज बड़े कर दूँ तो आपको दिखाई दे, आपको देखिए मेरा कर्सर यहाँ पे ए में है, कहीं पर भी कर्सर है, मुझे शुरू में जाना है, कंट्रोल होम दबा दिया, मैं शुरुआत एक पहले आ गया एकदम से। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है, एमएस पावर पॉइंट में सेव एज संवाद बॉक्स को खोलने के लिए, डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए कुंजी संयोजन क्या है। तो क्या है, आल्ट एफ से आपका फाइल मेन्यू खुल जाएगा, देन आप ए दबाइए तो आपका सेव एज खुल जाएगा, करके देख लेते हैं। जैसे आप पावर पॉइंट में आप आ गए हैं, आप आल्ट की दबाएंगे, देखिए सारे के एक एक अक्षर सक्रिय हो जाएंगे हमारे सभी के वन, जैसे आपने आल्ट की दबाई देखिए सबके एक अक्षर सक्रिय हो गए हैं, यानी आपका एफ दबाएंगे तो फाइल मेनू खुल जाएगा, एच से होम खुल जाएगा, मैंने एफ दबाया तुम्हारा क्या खुल गया, फाइल खुल गया। फाइल के बाद आपका देखिए हर एक के पहले एक एक वर्ड बन गया, सेव एज खोलना है तो आपके लिए क्या यहाँ चाहिए, ए चाहिए, आपने ए खोला दबाया आपका सेव एज देखिए पहुँच गए आप, यही पूछ रहा है वो। इसका आंसर है आर्ट एफ और देन ए। क्वेश्चन 39 है, डैश डैश एमएस एक्सेल में डेटा अथवा संख्यात्मक मूल्यों को योजनाबद्ध प्रतिनिधित्व होता है। तो ये होता है हमारा किससे, पाई चार्ट से होता है। आपको अगर सिंगल एंटिटी का डेटा दिखाना है, संख्यात्मक मूल्य ज्यादा है, तो आपके लिए पाई चार्ट सबसे अच्छा रहता है। बार चार्ट अच्छा है जहां आपको कंपेरिजन करना, बार लाइन चार्ट, एक्सवाई चार्ट वगैरह जो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, आउटलुक में स्काइप फॉर बिजनेस वार्तालाप किस फोल्डर में सेव होते हैं। तो आउटलुक एक मेल सर्विस का ही आपका टूल है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। तो स्काइप फॉर बिजनेस आपको किस फोल्डर में जाता है, कन्वर्सेशन हिस्ट्री में जाता है, क्योंकि वो स्काइप से बातचीत ही करते हैं, तो स्काइप फॉर बिजनेस आपका इसी फोल्डर में जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर, ये हमने 40 देखा है, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 42 है, एमएस वर्ड 2010 में एक दस्तावेज की छपाई करते समय एक समान पृष्ठ के ऊपर नीचे के लिए चौड़े विकल्प का चयन करते समय पृष्ठ मार्जिन क्या होता है। यानी कौन सा वाला पूछ रहा है, चौड़े विकल्प का चुनाव कर रहे हैं आप, तो यानी आप टॉप एंड वाइड ऑप्शन में, तो देख लेते हैं वर्ड में क्या होता है हमारा। अगर हम वर्ड में हैं और हम क्या जा रहे हैं, लेआउट में ले रहे हैं, आपका पेज वाइड ऑप्शन ले रहे हैं, सबके मार्जिन अलग अलग होती हैं। लेआउट में आप जाइए, थोड़ा आप इनको याद रख लेंगे, इसमें क्वेश्चन आते हैं मार्जिन को लेके। ये आपके चार पांच ऑप्शन हैं, नॉर्मल, मॉडरेट, वाइड, चार ऑप्शन को याद रख लें। वाइड में टॉप और बॉटम में 2.54 है, नॉर्मल में और वाइड में दोनों में 2.54 है, पर्याप्त मार्जिन होता है। यही पूछ रहा है, इसका आंसर क्या है, 2.54 है। ऊपर और नीचे,
क्वेश्चन नंबर 43 है, दूसरे नवीनीकरण के बाद भीम कितनी भाषाओं उपलब्ध है? भीम हमारा आप 16 भाषाओं उपलब्ध है। भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी एक ऐप है जिसके द्वारा आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, डैश डैश चार्ट एम एस एक्सेल में डेटा की कई श्रृंखला के औसत मूल्यों का मापन करता है। तो हमारा कौन सा चार्ट है? राडार चार्ट है, जिसमें कई श्रृंखलाओं का औसत मूल्य का मापन कर सकते हैं आप। क्वेश्चन 45 है, एमएस एक्सेल में एक्टिव वर्कशीट या चयनित श्रेणी में वर्तनी की जांच करने के लिए वर्तनी संवाद बॉक्स को डिस्प्ले करने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है? तो शॉर्टकट इसकी F7 है, शॉर्टकट की जितनी याद रखे उतना अच्छा है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 46 है, उस कथन की पहचान करें जो केस बदले सूची में लोअर केस विकल्प के संबंध में सही है। लोअर केस में होता क्या है? लोअर केस में आप पे जितना भी सिलेक्टेड एरिया है उसको आप लोअर कर सकते हैं जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है। जैसे हम करके देखते हैं, ये आपका होम टैब में कमांड होता है। जैसे देखिए हमने सेलेक्ट कर लिया ये, सेलेक्ट करने के बाद आपका ये होम टैब में ये चेंज केस ऑप्शन है, यहाँ पे लोअर केस जितना सेलेक्ट है पूरा हमारा क्या इस्तेमाल हो गया है। तो क्या पूछ रहा है? जो सही है तो क्या करता है, टेक्स्ट में बड़े अक्षरों को अलग करने के लिए, पहले अक्षर को बड़ा करने के लिए, सभी को तो सेंटेंस किस में होता है, सभी अक्षर बड़ा करने के लिए क्या होता है, ये आपका किस में होता है, अपर केस में होता है, पहले अक्षर बड़ा ये आपका कैपिटल एच वर्ड होता है। तो हमारा इसमें क्या सारे अक्षर छोटे हो जाते हैं, तो अपने टेक्स्ट से बड़े अक्षरों को अलग करने के लिए सारे बड़े अक्षर वहाँ छोटे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, 47 एमएस एक्सेल 2007 और एमएस एक्सेल 2010 फाइल एक्सटेंशन डॉट एक्सएलएसएम से वर्कबुक की पहचान करता है। तो अगर आपका डॉट एक्सएलएसएक्स है तो ये क्या होता है, एक्सेल वर्कबुक है, लेकिन क्या बता रहा है यहाँ पे, डॉट एक्सएलएसएस और यम है, ये क्या होता है, मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक होती है। इसका आंसर हमारा क्या है, मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक। अगर शॉर्टकट हमारा ऐसा लग जाता है तो मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक होती है। क्वेश्चन 48 है, पाइवोट टेबल त्वरित रूप से वजन रहित डैश डैश बनाने में उपयोगी है। तो क्या बनाता है हमारे, क्रॉस टेबुलेशन, यानी आप टेबल में आप बहुत सारे आपके टेबल ऐसे बन जाती है जिसमें आप क्रॉस टेबुलेशन, यानी आप पे टेबुलेशन का मतलब क्या, आंकड़ों को व्यवस्थित करना, तो ये आप आसानी से पाइवोट टेबल से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक बड़ा प्रश्न है दिखने में पढ़ने में है, यदि किसी कंपनी के नाम लिमिटेड शामिल है तो वर्ड संक्षेपाक्षर के बाद किसी भी शब्द को स्वचालित रूप से कैपिटलाइज कर देगा, इसे कैपिटलाइज रोकने के लिए उसे लिमिटेड को ऑटो करेक्ट ऑप्शन जोड़ना पड़ेगा। यहाँ दिए गए चरणों को सही क्रम व्यवस्थित करें। ऑटो करेक्ट ऑप्शन से आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ BADC शुरुआत क्या होती है, उपकरण पर जाएं, ऑटो करेक्ट विकल्प, फिर आपका इसके बाद ऑटो करेक्ट टाइम में बाद बटन पर क्लिक करें, उपकरण मतलब ऑप्शन में जाएं, जैसे वर्ड में है आप यहाँ क्या यहाँ जाते हैं, ये ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन कमांड से आप इसका प्रयोग आप तभी करें जब आप इसको लेकर श्योर हो, अदरवाइज इसका प्रयोग ना करें। ऑप्शन में जाने के बाद आपको कहाँ जाना है, ऑटो करेक्ट में जाना है। देखिए ऑप्शन में आने के बाद हम यहाँ प्रूफिंग में आते हैं, प्रूफिंग में ऑटो करेक्ट ऑप्शन मिल जाता है, वर्जन के हिसाब से ऑटो करेक्ट ऑप्शन कुछ वेरी करता है, कहीं ऊपर नीचे मिल सकता है। ऑटो करेक्ट ऑप्शन में आने के बाद यहाँ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन हम क्लिक करके अपना वर्ड यहाँ जोड़ सकते हैं, इसके बाद कैपिटलाइज ना करे वो, तो ये आप कर सकते हैं ऐसा, फिलहाल मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मुझे करने की आवश्यकता नहीं है। तो यही ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं, तो वही उसका हमारा आंसर रहेगा, जिसका क्रम हमारा क्या आता है, BADC आता है। यानी पहले हम कहाँ गए, टूल्स में गए, ऑटो करेक्ट ऑप्शन में गए, जहाँ पहुंचे इसके बाद हमने क्या किया, ऑटो करेक्ट टैब में एक्सेप्शन में क्लिक किया जैसे अभी हम गए थे, फिर क्या किया, फर्स्ट लेटर टैब इंटर LTD जो कि हमें LTD करना था और उसमें एंट्री कर दिया और क्लिक ऐड कर दिया, क्लिक ओके ट्वाइस कर दिया, तो हमारा ये काम पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 है, 50
निम्न पृष्ठाकारों में से कौन सा सबसे बड़ा है? तो इनमें से हमारा B4GIS सबसे बड़ा होता है जितने दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करके अक्षरों को स्मॉल कैपिटल के रूप में फॉर्मेट करते हैं? ये हमारा किससे होता है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ के दबाते हैं। जिस जगह मैं यहाँ कर रहा हूँ, मैंने सेलेक्ट किया कहीं भी, ये कंट्रोल शिफ्ट के दबा रहे हैं स्मॉल हो गया, कंट्रोल शिफ्ट के दबा रहे हैं कैपिटल हो गया, स्मॉल कैपिटल करते हैं इसे हम कंट्रोल शिफ्ट और के से, एक बार दबाएंगे स्मॉल एक बार दबाएंगे कैपिटल हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है नंबर 52 है, कौन सा कमांड 1.5 स्थान वाली पंक्तियां प्रदान करेगा? जिसका शॉर्टकट हमारा कंट्रोल प्लस 5 होता है। जैसे हम यहाँ पे किसी पैराग्राफ में हैं, हमने कंट्रोल दबा के 5 दबा दिया, तो देखिए 1.5 लाइन गैपिंग यहाँ पे आ गई है। फिर देखिए कंट्रोल के साथ क्या दबाया, 5, तो 1.5 लाइन गैपिंग हमारे यहाँ पे आ जाती है। यहाँ से भी देखें टिक, 1.5 में टिक लगा हुआ हमारे। तो ये दूसरा भाग खत्म होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने लोगों दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई प्रश्न आपको वो ज़्यादा व्याख्या चाहिए हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसका कमेंट में आंसर करूंगा। धन्यवाद।